हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन और सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, कब कहां और कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को बहुत स्पष्ट बताया था, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, शुरुआत का 5-10 मिनट का जो शुरुआत का है उस पर मैंने बताया है दोस्तों की 37,040 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट इस रेंज में ट्रेड करना चाहेगा। हम लोग यहाँ पर 37,000 के कॉल पुट को सेल कर सकते हैं। SBI गैप अप ओपन हुआ था, एक कैंडल तुरंत नीचे आया और तुरंत ही मैंने यहां पर कॉल शॉर्ट किया था। हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था यहां पर, जब ये नीचे तरफ आया तब तक हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, हैंडसम प्रॉफिट हम कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में और जो पोजीशन बनाया था मैं उसे भी आपको शेयर किया था। अच्छा, उस पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था तो मैंने बताया आपको कि भाई मैं यहां पे 2500 का लॉस लेके खड़ा हूं, मैं यहां पे 2500 का लॉस लूंगा या मुझे 2500 का लॉस मिले या फिर मैं पूरा प्रॉफिट ले सकता हूं, क्योंकि मैं जितना क्वांटिटी यहां पे शॉर्ट किया था जो मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है, उस पे मुझे लगभग 15 से 16 हजार का प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है, या 7,500 का मुझे लॉस हो सकता था, मैंने शेयर किया आपको। जब ये नीचे ब्रेक डाउन किया तो आप लोगों को मैंने बताया एग्जिट करना है, निकल जाइए या फिर आप 2500 का लॉस लीजिए। अगर आपने एग्जिट किए होंगे तो प्रॉफिट में निकले होंगे, नहीं किए होंगे तो 2500 का लॉस लिए होंगे। और उसके बाद मैं आपको वीडियो में फिर से बताया था कि अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा 37,800 के बिलो ये सस्टेन करता है, रुकता है, तो समझिए कि ये 36,400 जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहां पर एक ट्रेड करना चाहेगा तो हम लोग यहां पर कोई भी 36,600 या 500 के कॉल पुट में पोजिशन बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर 36,600 का कॉल और 36,500 का पुट में शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन बनाया, वो भी मैंने आपको प्रॉपर शेयर किया। मैं इस पोजीशन में प्रॉफिट में आया। मैं आपको आज का ट्रेडिंग डिटेल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, मैंने ये पोजीशन बनाया था, ठीक, शुरुआत में ये पोजीशन बनाया था और मैं आपको बताया हूं कि आपको एक पेयर में 2500 से ज्यादा लॉस लेना नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, इस पोजीशन में 2500 से ज्यादा का लॉस नहीं आया। दोबारा पोजीशन हम लोग बनाए इस पे और इस पे, 36,500 का पी एंड 36,600 का सी, इसे शॉर्ट स्ट्रेंगल कहते हैं। वीडियो को आप देखिए, पार्ट वन एंड पार्ट टू शॉर्ट स्ट्रेंगल का, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर समझेंगे आप। ये पोजिशन मेरा ओपन है, ठीक है। अब मैं आपको अपना बड़े स्क्रीन को भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, अब आपको इसमें बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों, ठीक, ये मेरा पहला पोजीशन चल रहा था, ये इस पे मुझे 60,000 का प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि इस पोजीशन में मुझे आज 2 लाख प्लस प्रॉफिट होना था अगर ऊपर के रेंज में मार्केट रुक जाता तो। इसलिए मैं यहां पर 60,000 का लॉस लेना पसंद किया कि मैं यहां पर 60,000 का लॉस लेता हूं, क्योंकि इसके सामने रिस्क रिवार्ड मेरा बड़ा है। मुझे मालूम था अगर नीचे जाएगा तो मैं एक पोजीशन फिर से बनाऊंगा इस पे और इसमें अगेन पोजीशन बनाया दोस्तों। फाइनली अल्टीमेट प्रॉफिट में तो नहीं रहा, लेकिन मतलब वो प्रॉफिट नहीं मिला जो मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन मेरा टर्मिनल लॉस में नहीं गया है। तो ये है शॉर्ट स्ट्रेटल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल की स्ट्रेटजी में, इस तरीके से सेफली हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, सुरक्षित ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप अल्टीमेट दोस्तों प्रॉफिट में ही निकलोगे। आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, ये बड़े बड़े क्वांटिटी में मत करना, इसे आप मत देखिए, ठीक है। मैं इसे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हो सकता है और कैसे हम मैनेज करते हैं अपने पोजिशन को, ठीक है। आई होप आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब कल के लिए रेंज डिसाइड करते हैं, मार्केट में कैसे मूवमेंट हो सकता है और हम कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे मार्केट आज ट्रेड किया है, ओके, जैसे मार्केट आज ट्रेड किया है, लोअर लेवल से थोड़ा अपर साइड में रिट्रेस लिया है, इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहेगा और कल ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब अगेन इसे मार्केट में रेजिस्टेंस मिलेगा अपर साइड में 36,800 का और लोअर साइड में 36,400 का। कल मुझे लगता है एक छोटे से कैंडल के साथ मार्केट क्लोज करना चाहेगा, एक छोटा सा ऐसा कैंडल बनेगा, छोटा सा कैंडल ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा, ओके, या ऐसा डोजी टाइप का कैंडल बन सकता है कल के दिन पे, ओके। फिर मुझे लगता है कि मंडे से मार्केट में एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो कल मैं बड़ा रेंज नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। हाँ, शुक्रवार को आपको मैंने सेकेंड पार्ट की वीडियो बताया है कि हम शॉर्ट स्ट्रेटल या शॉर्ट स्ट्रेंगल का पोजीशन बनाते हैं, उसमें शुक्रवार को प्रीमियम हमें कम मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है, देखिए
अब इसका भी लॉजिक आप समझिए कि मार्केट को अगर कहीं नहीं जाना है तो इसी लेवल में ओपन होगा, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जाके यहाँ पर ट्रेड करना चाहेगा। तो कल एक छोटा सा ट्रेड है, मुझे लगता है बड़ा रेंज नहीं मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन हो जाएगा तो सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन इसे अपर साइड में रेजिस्टेंस बनेगा 36,800 और लोअर साइड में 36,400। इसके नीचे मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो मैं लोअर साइड में बड़ा रेंज नहीं देख रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर लोअर साइड जाएगा तो अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ए बनेगा और वो बनेगा यहाँ से 1000 पॉइंट बिलो। अगर ए लेवल को ब्रेक किया लोअर साइड में 36,300 के नीचे तो मैं इसमें शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन क्वांटिटी मैं छोटा रखूंगा, क्वांटिटी कम रखूंगा, क्योंकि यहां आसपास सपोर्ट का ही लाइन है, राइट। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो यहां से लेके इस कैंडल तक ये नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया है, ये एरिया नो ट्रेडिंग जोन है। मैं नो ट्रेडिंग जोन का एरिया मैं आपके लिए छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूं। देखिए यहां से लेके यहां तक का लगभग ये पॉइंट मिलेगा 100-110 पॉइंट के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। अपर साइड में क्या है, अपर साइड में दोस्तों 36,350 और लोअर साइड में 36,250। ये 100 पॉइंट के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा खतरनाक जोन है। यहाँ पर किसी भी लेवल से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो मैं छोटा सा रेंज देख रहा हूँ मार्केट में, छोटे से रेंज में कल के दिन पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी का। इसमें भी हम लोग शॉर्ट स्ट्रगल या शॉर्ट स्ट्रेंगल पोजीशन बना सकते हैं 36,600 या 500 का, और लेवल आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा दोस्तों और लगातार होता है। अब दोस्तों देखिए निफ्टी में जैसे हम लोग कल बात किए थे कि इस पे मेरा ज्यादा बड़ा रेंज मैं नहीं देख रहा हूँ, हालांकि निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा, और अगर आप देखें तो मॉर्निंग से निफ्टी ही कमजोर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओपन हुआ और सबसे पहला गिरावट निफ्टी ही दिखाया अपने लोअर साइड में। मैं इसे अवॉइड करना चाहता था कल भी कि लोअर साइड में इसमें हमें, चूंकि हमारे एनालिसिस से बड़ा टारगेट दिया है, मैं इसमें देखा था कि 40 पॉइंट का एसएल है मेरे लिए और इसमें लगभग 60 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, तो हम इसमें अवॉइड करना चाहेंगे। कल के लिए आप इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, मैं चार्ट को छोटा करता हूं तो आप लेवल आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब ये रेंज बनेगा लोअर साइड का, ठीक है, इसमें भी सपोर्ट है लेकिन यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। 100 पॉइंट का रेंज है दोस्तों, अगर 15,080 के बिलो निफ्टी जाता है तो हम इसमें शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। इसी क्लोजिंग का एसएल रखना पड़ेगा लगभग 40 पॉइंट का, और टारगेट इसमें लगभग आपको 80 पॉइंट का मिलेगा 15,000 का। 15,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल रहा है अभी के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये होगा अगर डाउन साइड जाता है तो। मुझे लगता है मार्केट क्या होना चाहिए, ये रेंज दोस्तों, इस रेंज में ये भी फंसना चाहिए, तो दोनों इंडेक्स में मुझे कल छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा निफ्टी में इस लेवल में कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें भी शॉर्ट स्ट्रगल पोजीशन बनाना चाहें या स्ट्रेंगल पोजीशन बनाना चाहें तो फिर 15,150 के आसपास मिले सम जब लेवल आने लगे तो आप कॉल पुट को बेच सकते हैं और इसमें दोनों साइड का रेंज का एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर गया तो आप एग्जिट कर लीजिए या नीचे जाए तो एग्जिट कर लीजिए, ठीक है, और अपने लिए लॉस बिल्कुल डिसाइड रखिए, ठीक है। निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रगल में 2500 से 3000 का बनता है, ठीक है, निफ्टी में 2500 से 3000 का, और बैंक निफ्टी में 2500 से ऊपर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ भी तो लगातार मेरे स्क्रीन को भी देख रहे होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो खुद से भी आप एनालिसिस करके समझ रहे होंगे। दोस्तों अब देखते हैं कौन सी स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। छोटा रेंज है तो बहुत बड़ा मोमेंट हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री नेगेटिव हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर दो दिन से इसे देख रहा था ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन ये ब्रेकआउट कर नहीं पा रहा है। अब ब्रेकआउट के पास इसमें नेगेटिव कैंडल बन रहा है, अगर आर्ली चार्ट लगा दीजिए दोस्तों तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है, और अगर ब्रेक डाउन करा तो लोअर साइड में सपोर्ट नहीं है, इसका सपोर्ट डाउन साइड में 2040 के आसपास है। तो अगर एक कल गिरता है 2060 के आसपास तो हम इसमें शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, 70-75 के आसपास के एसएल रखेंगे, वो लेवल आपको लाइव में टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा, और डाउन साइड में 2040-2020 की तरफ आते हुए हम देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में, नजर रखिएगा। अगर ये लोअर साइड जाता है तब, पहले शॉर्ट नहीं मानना है, लेवल में आएगा तब ट्रेड करेंगे। दोस्तों चोला फाइनेंस, मैंने इसे बीटीसी ट्रेड दिया है, नजर रखो दोस्तों, आज नहीं तो कल
एक बड़ा मोमेंट देने वाला, ऐसा कैंडल बनने वाला है, इसे आप नजर रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम बाइंग करके जा सकते हैं। 536 के ऊपर अगर निकलेगा तो इसमें 560 का हम टारगेट देख सकते हैं। नजर रखिए, एक दो दिन आप इसे लगातार बना के रखिए अपने वॉच लिस्ट में। साथ में M&M फाइनेंस सेम लेवल है दोस्तों, ब्रेकआउट करने देना है, सस्टेन करने देना है। ठीक है, फिर हम इसको लेके जाएंगे 224 के ऊपर। अगर निकलता है तो ये 240 का टारगेट देगा, तो बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। एशियन पेंट दोस्तों, आज भी हम लोग इसमें ट्रेड लिए हैं, बहुत खूबसूरत ट्रेड मिला है। ओके, कल इसे नजर रखिए, कल अगेन हमें इसमें ट्रेड मिलेगा और वो मोमेंट हमें बड़ा दिखा सकता है। अपर साइड में 2500 के आसपास जाते हुए नजर आएगा। अगर हमें पैटर्न मिलता है सुबह तो हम इसे बाइंग करके जा सकते हैं। ये सब रखना पड़ेगा इसमें लगभग 2460 के आसपास का, और अगर ये 2500 के ऊपर निकलता है तो फिर 2550 का भी टारगेट आपको दिखा देगा इंट्राडे में। एशियन पेंट देखिए लगातार गिरा हुआ है और इसका टारगेट बन रहा है ये। ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा, लगभग इसमें देखेंगे तो W टाइप का पैटर्न बन जाएगा, अच्छा ब्रेकआउट आएगा, नए हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। HDFC लाइव दोस्तों देखिए, स्टॉक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ये रेड वाले कैंडल के ऊपर निकलेगा तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए साइडवेज हुआ है पूरे दिन में, सुबह सुबह मूवमेंट आया फिर मूवमेंट आया नहीं है, तो साइडवेज के बाद एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर 715-716 के ऊपर निकलता है तो फिर 725-726 की तरफ जाते हुए नजर आएगा और ये भाव मिलेगा अपर साइड में। ठीक है, और नए हाई के आसपास भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस छोटा का मतलब इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 710 के आसपास का टारगेट बढ़िया बनेगा। आप नजर रखिएगा HDFC लाइफ में। ब्रिटानिया देखिए, FMCG स्टॉक में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बॉटम बन रहा है। सभी स्टॉक अपने सपोर्ट के पास हैं, चाहे आप ब्रिटानिया को ले लीजिए, चाहे आप कॉल पाल को ले लीजिए। ठीक है, इनमें एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है आने वाले दिनों में, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्टॉक को नजर रखिए, एक दो दिन में ब्रेकआउट आ सकता है, इसमें कल भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। 3400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसमें अपर साइड का 3500 की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा और एक टर्न अराउंड होते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, साथ में दोस्तों गोदरेज CP इसे भी नजर रखिए, देखिए सपोर्ट के आसपास है यहाँ पर और पॉजिटिव कैंडल बन रहा है, स्पिनिंग बॉटम कैंडल कहते हैं इसे। अगर ये निकलता है तो 725 के ऊपर निकलेगा तो इस कैंडल के हाई के आसपास देखने को मिलेगा, 745 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। नजर रखिए गोदरेज CP को। साथ में दोस्तों ITC देखिए, इसे कहते हैं बॉटम फिशिंग। आपने बॉटम फिशिंग का वीडियो को देखा होगा दोस्तों, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट करने के बाद ये ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करेगा तो नए हाई की तरफ जाएगा मुझे लगता है। देखिए एक दो दिन पहले भी मैंने इसे सजेस्ट किया है, अगर इसे आप लेके जाना चाहते हैं तो 215 का ध्यान रखिएगा, एकदम डिजिट याद रखिएगा, 215 के नीचे क्लोजिंग आता है तो पोजीशन स्क्वायर अप कर दीजिए। अगर बाइंग करना है तो 222 के ऊपर जाने दीजिए और नए हाई की तरफ इसमें ट्रेड लेके जाइए स्विंग के लिए। जबरदस्त ट्रेड मिलेगा, नजर रखिएगा ITC में। कल भी इसमें अगर 220 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में ट्रेड करके जा सकते हैं। दोस्तों अदानी पोर्ट्स, पूरा ग्रुप बहुत भाग रहे हैं, आप इसे नजर रखिए, कल अगेन इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है 670 के ऊपर। कितना बहुत, मतलब कल इसे नजर रखिए, 670 के ऊपर निकलता है तो 680 की तरफ का टारगेट देखने को मिल सकता है। नजर रखिएगा 664-65 के आसपास का SL रखना पड़ेगा, तो 5 रुपए SL के सामने हमें 10 रुपए के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूरा ग्रुप बहुत अच्छे भाग रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग इसको 300 के आसपास ट्रेड करते थे यहाँ पर, ठीक है, कहाँ लगभग डबल होने वाले हैं। तो दोस्तों नजर रखिए, कल के दिन पे इन स्टॉक में अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।